ये हल्द्वानी के लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है जो काठगोदाम में बन रहा है, और एक तरह से हिल का रोडवेज डिपो हम लोग इससे कह रहे हैं। 67 करोड़ का इसकी लागत है और इसमें 200 कार्स के साथ साथ 72 बसेस इसमें खड़ी हो पाएंगी। दो तरह की वर्कशॉप्स बन रही हैं जो लॉन्ग टर्म रिपेयर्स की भी हैं, शॉर्ट टर्म रिपेयर्स की भी हैं। आधुनिक ऑफिस बिल्डिंग यहाँ पे बन रही है, और एक अच्छी बात ये होगी कि इन फ्यूचर जो हमारी नैनीताल का रोप वे प्रोजेक्ट है उसका भी जो ओरिजिन पॉइंट है वो भी यही होगा। तो उसमें भी जो लोग जाना चाहेंगे, अपने वाहन यहाँ पे छोड़ेंगे, या लोकल्स जो अप डाउन करते हैं नैनीताल और हल्द्वानी के बीच में, वो भी यहीं से शुरू होगा। और अभी जो आपका वर्क शेड्यूल है, वैसे तो ये 2025 सितंबर तक इसको ख़त्म होना था, हल्की सी इसमें डिले है 2-3 महीने की, लेकिन दिसंबर तक इन्होंने जो टाइमलाइंस अपनी रखी हैं, दिसंबर 25 तक इसको पूरा करने का कार्यदायी संस्था यहाँ पे प्रयास करेगी।